नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल आर्यन टेक में आपका स्वागत है। आज हम दो चर वाले रेखीय समीकरण के बारे में जानेंगे और जानेंगे इसे किस कितने विधि से लगाया जाता है, यानी जो भी प्रश्न होते हैं उसे किस तरह सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दो चर वाले रेखीय समीकरण पहले जानेंगे किसे करते हैं। ठीक है, तो ऐसा समीकरण जिनका घात एक होता है, जैसे कि आप बहुपद में जान चुके हैं कि एक घात वाले को एक जो चर के घात होते हैं उसी को हम कहते हैं कि एक घाती, द्वि घाती, तीन घाती, बहुपद। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से इसमें भी हम दो चर वाले रेखीय समीकरण, दो चर मान लिए एक्स कमा वाई ले रहे हैं। ठीक है, इनके गुणांक में इनके गुणांक भी होंगे ए बी, या दो गुणांक इनके होंगे और बाकी एक और होगा सी। यह तीनों वास्तविक संख्या होते हैं दोस्तों, यह तीनों वास्तविक संख्या होते हैं। ठीक है, और ये दोनों दो चर हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम पहला समझना दे रहे हैं कि ए एक्स प्लस बी वाई बराबर जीरो, दूसरा दे रहे हैं बी एक्स प्लस, सॉरी दोस्तों हम सी को भी ले रहे हैं इस समय, तो ये इतना हो जाएगा। दूसरा दे रहे हैं ए वन ए डैश प्लस बी डैश वाई प्लस सी डैश इक्वल टू जीरो। ठीक है दोस्तों, आज हम सबसे पहले इसे हल करने के बताएंगे। ठीक है दोस्तों, क्या करना है, पहले से हम तीन नियम इसमें फॉलो होते हैं। पहला प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन, दूसरा विलोपन, तीसरा वज्रलोपन खंड। ठीक है दोस्तों, तो हम दो समीकरण अलग से ले रहे हैं हम, कि मान लीजिए चार एक्स प्लस टू बी प्लस तीन इक्वल टू शून्य, दूसरा ले ले रहा हूं कि एक्स प्लस टू वाई प्लस माइनस वे। ठीक है दोस्तों, तो प्रतिस्थापन विधि कैसे होगा, अगर आपको इस तरह करना है या फिर और भी छोटा, लेकिन हम आपको समझा दे रहे हैं, फिर इसे अगले वीडियो में या फिर और भी अच्छे तरीके से भी बताएंगे। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए इतना इक्वल टू तीन दिया है और दूसरा है मेरा दोस्तों, तो समीकरण एक यह हो गया, समीकरण एक यह हो गया। ठीक है, हम पहला फॉलो कर रहे हैं प्रतिस्थापन विधि से कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले कैसे करना है, पहले में क्या करना है, यह खुद ही करना है प्रतिस्थापन, यानी कि हमें स्थापना करना है। हम मान लीजिए कि हम x का वैल्यू एक संकल्प निकाल ले रहा हूं, तो ये x का वैल्यू हो जाएगा x बराबर 3 माइनस y, क्योंकि आपको पता होगा कि जब भी पंचांतर होता है तो यहां जो भी चिन्ह होगा उस तरह जाएगा माइनस में जाएगा, अगर गुणा है अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है प्लस, गुणा है तो भाग, भाग है तो गुणा। ठीक, तो दोस्तों स्थापन विधि में क्या करेंगे, अब इसी को हम सबके दो से कर लेंगे, जो लंबा गुण कर रहा हूं, तो समीकरण दो से, समीकरण दो से अब x का मान रख सकते हैं, हमारा गुणा है, तो x से हम क्या करेंगे, तीन माइनस वाई और माइनस दो वाई इक्वल टू फोर, अभी से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो कर लो और तीन वाई टू वाई बराबर फोर, अरे तीन दो पांच वाई, अब यह उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इसे घटा दीजिए तो माइनस पांच और माइनस पांच वाई, माइनस पांच पांच घट गए आगे एक, अब इसका मान आप इसमें रख लीजिए तो यह का वैल्यू हो जाएगा तीन माइनस वन, तो यह बराबर दो। ठीक है दोस्तों, अब हम विलोपन विधि से इसे हल करेंगे। अब विलोपन का तात्पर्य ही है विलुप्त हो जाना, यानी इसका जो भी हम समीकरण हल करेंगे सीधा क्या करेंगे, एकदम इरेज कर देंगे। ठीक है, यानी कि विलुप्त कर देंगे, मुझे एक चर को विलुप्त करना है, तो एक चर को विलुप्त करने के लिए एक का गुणांक तीन बराबर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो हम संकलन एक में, संकलन एक में हम तीन मल्टीप्लिकेशन कर देंगे,
समीकरण एक आप देख रहे हैं x plus y equal to 3, तो 3x plus 3y equal to 9, इसे हम समीकरण 3 मान ले रहा हूँ और इसे लिख ले रहा हूँ समीकरण 2 को, यह कितना है equal to 4, समीकरण 2, ठीक है दोस्तों, ऐसे हम घटाने के अभी नहीं घटाने, ठीक है आप लिखा है घटाने के माइनस प्लस माइनस, ठीक है घटाने पे जहाँ पे प्लस रहेगा वो माइनस रहेगा, जहाँ माइनस रहेगा वो प्लस हो जाएगा, ठीक है इसे आप कट कर दीजिए और इसे ऐड कर दीजिए हो जाएगा 5y इक्वल टू, इसे आप घटाएंगे हो जाएंगे 5 और 5 पास करेंगे y का टू 1, अब y का टू 1 आ गया तो इसे क्या कर लीजिए समीकरण 1 लिख लीजिए, तो y का मान समीकरण 1 लिखने पर y का मान समीकरण 1 में रखिए, ठीक है दोस्तों, तो ये आप रख लीजिए तो x प्लस 1 इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 2, देख लीजिए दोनों का वैल्यू सेम आया है इस रूल से भी इस रूल से भी यहाँ पे, ठीक है दोस्तों, अब हम जाएंगे बीजगणितीय, तो बीजगणितीय विधि नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा, और इसमें चर वाले में एक होता है संपाति और प्रच्छेदित बिंदु, यह सब कुछ आता है तो उसे भी उसी वीडियो में बता दिया जाएगा।